सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रतिभा चौहान, आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रतिभा चौहान व्लॉग्स पर। उम्मीद करती हूँ आप अपने घरों में स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अपने परिवार वालों के साथ व्यस्त होगे। तो मैं भी एकदम से मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है जी मेरे 8 बजे से। तो अभी मुझे बनाना होगा ब्रेकफास्ट, तो अभी मैं ब्रेकफास्ट में सोच रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊ। तो मेरे पास है जी ब्रोकली और साथ साथ है जी फूल गोभी। तो मैं सोच रही हूँ दो में से कौन सी बनाऊं। आप सभी बताएं मुझे क्या बनाऊं, फूल बनाऊं या ब्रोकली। फूल बनाती हूँ, ब्रोकली तब बनाऊंगी जब भाई आएगा, कल तो आ ही जाएगा। तो मैं अभी बनाती हूँ जी इसको, तो इसको धो लेते हैं। तो चलो जी अब हम भी सब्जी काट लेते हैं। तो भाई सब्जी अभी इसी बेड पे कटेगी, पढ़ाई भी इसी बेड पे होगी। इनको यहाँ पर को रखती हूँ। तो गाइस इधर बन चुकी है जी सब्जी और साथ साथ इधर मैंने आटा भी निकाल दिया है, तो अब इसको गूंद लेते हैं। इधर निकल चुका है जी ब्रेकफास्ट। तो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ जी मन्नत के रूम में, तो मिली है इधर मन्नत से। हेलो गाइस। तो मैं और मन्नत जा रहे हैं अभी लाइब्रेरी। तो आज मन्नत बना रही है जी लाइब्रेरी कार्ड और मैं कर रही हूँ अपना लाइब्रेरी कार्ड रिन्यू, क्योंकि मेरा एक्सपायर हो चुका है। तो वो हो चुका है जी अभी फरवरी में, तो अब मैं उसको रिन्यू करने जा रही हूँ और आप सभी को भी लेके चलते हैं। तो अभी मन्नत तैयार हो रही है, तो मैं जल्दी तैयार होके मन्नत के रूम में पहुंच चुकी हूँ। और आज मैंने बिंदी पहनी हुई है सूट के साथ। मैं पहले भी पहनती थी ब्लैक कलर की, पर कुछ टाइम से पहनी, मतलब कि कुछ टाइम, बहुत टाइम हो चुका था, जो आपने भी शायद नहीं देखा होगा, शादी या फंक्शन में ही पहनती थी। तो मैंने अभी और पहन ली है। इधर मिले जी कृति से। प्रणाम दोस्तों, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सभी? सब मस्त है, मस्त है, स्वस्थ रहिए दोस्तों। मेरी तरह बीमार मत पड़ जाना कहीं पे ज्यादा मस्ती के चक्कर में ठंड से। तो अभी धूप ही बहुत अच्छी खिली हुई है और सामने का व्यू देखे जी, उधर से बादल भी आ चुके हैं। सामने का नजारा बहुत ही सुनहरा दोस्तों बहुत ही मजेदार। अभी सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते भाई जो गर्मी लग रही है ना, आज लग रहा है पता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी हो चुकी है। इधर कुछ ज्यादा ही कपड़े पहन लिया सभी, लग रहा है वही नहीं जा रही इधर से। और भाई तू भी धूप सेक रहा है। तो इधर मिले जी हमारे दोस्त से, तो ये भी हमारा वेलकम कर रहा है। जा जरा कर रहा है इसे हेलो, ये कुछ भी यार डेंजर लग रहा है। सही साइड से निकल जा लड़की, स्वागत करने बैठा है भाई, टेढ़ी नजर से देख रहा है जो हमें ये घूर घूर के देख रहा है। हम भी पहली फुर्सत से निकलते हैं, इसलिए कभी कुत्तों के ज्यादा नजदीक नहीं जाइएगा जो यहाँ रास्ते में मिलते हैं भाई, हम तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। आप लोगों का इंस्टाग्राम। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं जी बस में, तो बस में बस अभी थोड़ा आगे लगेगी, थोड़ा आगे नहीं बहुत आगे तक। क्या तो हम ऊपर से भी सकते थे आईजीएमसी के। पैदल पर हम नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं इधर से बस में। तो दोस्तों इधर चला हुआ है जी काम, तो इधर लगी हुई है जी बस है, आप किसी भी बस में जा सकते हो। अब हम देखते हैं हमें कौन सी बस में अच्छी सीट मिलती है। सब में ही सीट है ना? हाँ सीटें तो सब में आगे भी, इससे आगे वाले में जाते हैं। अगर इधर वाले में जाते हैं। मिल चुकी है इधर अपनी मनपसंद सीट पर बैठने का मौका, बिल्कुल खाली है। चलो राजू चलो, लोग बुला रहे हैं। दूर से
अब हम जा रहे हैं जी यहाँ से सबसे पहले रिज पर, वहां से जाएंगे हम क्योंकि आगे होके हमारे को रास्ता बिल्कुल भी पता नहीं है, क्योंकि मैं उधर होके गई तो मैं मन्नत को भी अपने साथ उधर होके ही लेके जा रही हूँ, और विधानसभा आगे होके पता ही नहीं है किधर होके जाना है। पर जाने तो हम बस में ही थे, फिर पता भी नहीं लग रहा था, रास्ता भी भटक जाने थे, मैं भटक जाती तो मन्नत भी भटक जाती, क्योंकि मेरे को तो खुद भी नहीं पता, इसीलिए हम इधर से जा रहे हैं। लॉन्ग तो हमारे को रास्ता पड़ रहा है, फिर भी बहुत ही अच्छी धूप खिली हुई है। सामने को दिखाई दे रहा है ये गुप्ता धार, साथ साथ ऑकलैंड। तो चलो जी हम भी पहुंच चुके हैं इधर लाइब्रेरी। तो ये वाली बिल्डिंग है जी न्यू बनी हुई लाइब्रेरी की। हम पहुंचे हुए हैं जी विधानसभा, और यहाँ पे हमने करवाने हैं सिग्नेचर कार्ड। भाई हवा बहुत तेज चली हुई है, हम ऐसी ठंड में बैठे हुए हैं, हमें एहसास हो रहा है कि ठंड है। सभी को पता भी लग रहा होगा कि हम दो बहुत बड़े बेवकूफ हैं, क्योंकि विधानसभा के पास ही फोटो स्टेट होता है। हम पहुंचे जी चौड़ा मैदान, अब यहाँ से हमारे को भेज रहे हैं कि वहीं जाओ, वहीं पे ही होता है। तो इतने बड़े बेवकूफ हम, हमने ना पूछा किसी से, हमने सोच दिया चौड़ा मैदान में होता है, वहां पे हमारे को दिखाई ही नहीं, तो हम इसीलिए वहां के लिए आए। तो अब हम जा रहे हैं वापस वहीं के लिए, तो बेवकूफ बनकर। इधर वानर सेना हमें डरा रही है, हम नहीं डरेंगे बंदर, हो नहीं डरेंगे। तो गाइस हमारा काम हो चुका है, मन्नत का कार्ड भी बन चुका है, हाँ। तो मेरा भी रिन्यू हो चुका है। तो अब आ चुके हैं जी हम इधर नगर निगम पार्क में, और यहाँ से मैं आपको व्यू भी दिखाती हूँ। तो देखिए जी कितना सुंदर व्यू है, और सामने है जी तारा हॉल स्कूल, तो ये वाला तारा हॉल स्कूल है, और सामने पाई साइड को दिख रहा है, ये दिख रहा है जी ये कुप्ताधार साइड दिख रही है ये वाली, और साथ साथ इधर नीचे की बात की जाए तो ये है जी हेलीपैड, तो ये है जी अनाडेल में, तो ये अनाडेल दिख रहा है यहाँ से। तो देखिए जी बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है। तो मैं नीचे तो नहीं गई हूँ अनाडेल, जहाँ ये हेलीपैड है यहाँ के लिए नहीं गई हूँ, पर यहीं से ही देखा हुआ है मैंने तो, इन्होंने कम से कम यहाँ से देखा था, मैं तो पहली बार देख रही हूँ आज। हाँ तो कभी हम प्लान बनाएंगे, हम नीचे भी जाएंगे तो हम आप सभी को दिखाएंगे वहाँ पर क्या क्या है। वहाँ पे है तो है, इसमें तो नहीं देते अंदर जाने, पर जा तो रहे आते तो है ना, लोग नहीं भी लोग तो जा रहे हैं, पर पता नहीं शायद जाने देते, सुना है कि नहीं देते हैं जाने, मना करते हैं, फिर पता नहीं देते। बाकी कभी जाएंगे नीचे तो हम आपको भी लेके जाएंगे, तब लग जाएगा पता है जाने देते कि नहीं। तो वहाँ पे है भी है कुछ आर्मी वालों का है वहाँ पर, मैंने देखा है लोगों के व्लॉग में भी देखा है, और जितना मुझे पता है तो है वहाँ पर, क्योंकि ग्रीन ग्रीन आर्मी वालों के ही होते हैं ना। हाँ तो कभी लेके जाएगी आपको, आपको भी दिखाएंगे वहाँ पर क्या क्या है। तो हम सोच रहे हैं अभी अब चलते हैं यहाँ पे, अब धूप तो जा चुकी है, थोड़ी थोड़ी धूप रही हो, वो भी परे परे को रही, हम इधर छाया में आए हुए हैं और ठंड बहुत ज्यादा है। सुबह तो हमारे को गर्मी लग रही थी, अब ठंड और बादल भी आ चुके हैं, देखे बहुत ज्यादा बादल भी आ चुके हैं। तो चलो चलते हैं। तो गाइस मार्केट से तो हम आ चुके हैं, अब जा रहे हैं जम सब्जी मंडी, हम इधर पहुंच चुके हैं सब्जी मंडी में, तो अभी इधर ले लेते हैं। ठीक है देखो आधा लाऊंगी ना, आधा किलो गाजर, आधा किलो मूली है ना, और एक किलो फूलगोभी, और किलो
बर्फबारी हो रही है। तो गाइज मैं भी पहुंच चुकी हूँ जी रूम। तो हमारे को वैसे बहुत टाइम लगा, तो विधानसभा से ही हम हुए होंगे फ्री 3 या 3:30 बजे। उसके बाद हम भी मार्केट भी गए थे, तो वहां पे भी हमारे को बहुत टाइम लगा। तो उसके बाद यहाँ पहुंचते पहुंचते हमारे को 6 बज चुके थे संजौली में, तो रूम पहुंचते पहुंचते हमारे को 6:30 हो चुके थे। तो हम 6:30 बजे पहुंच रहे हैं। तो आज मैंने करी हुई है जी ईजा के लिए शॉपिंग, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने उसके लिए क्या क्या लिया है। तो जैसे आपको पता है कि अब ईजा के स्कूल जाने की तैयारी अभी शुरू हो रही है, तो अब वो मार्च से स्कूल जाएगी, तो प्ले स्कूल जा रही है। तो देखे उसके लिए एक मैंने बैग लिया है, तो देख सकते हो आप ये मेरी पसंद है। तो वो अब इसको डाल के जाएगी जी स्कूल, उसकी हाइट के बराबर ठीक है। और मैंने उसके लिए लिया है जी बैग, तो मैं फुल लेके आई हूँ वैसे। तो ये है जी स्लूक का, ये मैंने दीदी के लिए लिया है। तो इधर मैंने उसके लिए ली है जी जूतियाँ, तो ये है जी मेरी पसंद। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए ये वाला कलर बहुत अच्छा होता है, ये बेबी पिंक। और क्या लिया मैंने, तो बाकी लिया है जी मैंने क्या गाजर, इसमें गाजर है, थोड़ी गुड़ ली है, थोड़े लिए है जी मैंने संतरे, तो बाकी संतरे है, तो बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो इतनी सी शॉपिंग में मैंने कुछ ज्यादा ही टाइम लगा दिया है, तो हम थक भी बहुत चुके हैं। है जी इनको पैक, अब ईजा जाएगी जी बैग लेके स्कूल, बॉटल भी आई जाएगी मजे से जाएगी, खुश होके जाएगी। 2 साल चलेगा, 2 या 3 साल, वैसे बच्चों के पास बैग नहीं चलते हैं बहुत कम। तो देखिए उसका बैग, इतनी बुक्स आएगी उसके बैग में। तो चलो जी मेरा डिनर भी हो चुका है। तो डिनर में थी जी सुबह की सब्जी बनाई हुई थी, तो अभी अभी मैंने जल्दी चपातियां भी बना दी और डिनर करके भी खत्म हो चुकी हूँ। तो सुबह से थक भी गई हूँ, क्योंकि सुबह हम कब मार्केट गए थे, विधानसभा गए थे सॉरी मार्केट, तो उसके बाद गए थे। तो कब से अब भी पहुंच रहे हैं 6:30 बजे रूम में, तो थक बहुत ज्यादा चुके हैं। तो इसी के साथ करते हैं जी आज के व्लॉग को यहीं पे ही एंड, और अब मिलते हैं जी हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप मेरे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। बाय बाय गाइस।